Good morning, my dear students. How are you all? Hope you all are fine, students. I'm Shalini Sharma, your EVS subject teacher from Tanna English Medium School. So, students, today we will do EVS. So, first of all, take out your EVS notebook. आज हम इस notebook में work करेंगे, okay? As you know that we have already completed our 3 chapters in our tulips, okay? Book में हमने complete किए हैं. Yes. So today we will do work in classwork notebook. अपनी CW में हम work करेंगे. Okay. So first take out your CW. Now how to write in this notebook? कैसे लिखना है? सबसे पहले तो यहाँ पर आपको name, your class means standard, वो सब लिखना है. Then subject. Okay. Then first page में first of all you have to write the date. आपको सबसे पहले date लिखनी है. Okay students. Then जो ये ऊपर सबसे आपको यहाँ पर लिखना है लेसन वन, वो मैं आपको लिखकर बताऊंगी हाउ टू राइट. ओके, देन स्टार्ट करेंगे हम. 4 लाइन्स में लिखना तो अभी आपको आता है एंड यू हैव टू राइट इन कर्सिव ओनली. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट करें अभी. ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको लिखनी है डेट. हियर यू हैव टू राइट द डेट. ओके, सो कौन सी डेट लिखनी है आपको? जिस डेट को आप स्टार्ट करेंगे वो डेट यहाँ पर लिखनी है आपको. ओके, देन हियर जो आपकी 4 लाइन स्टार्ट हो रही है उससे पहले ऊपर पिंक लाइन के ऊपर आपको क्या लिखना है? लेसन वन. सो राइट लेसन. स्टूडेंट्स सी, यहाँ पर हमें अपने लेसन का नेम लिखना है. सो लेसन का नेम क्या है? यस, आर एनवायरमेंट. सो हियर यू हैव टू राइट नेम ऑफ द चैप्टर, आर एनवायरमेंट. ओके स्टूडेंट्स, ओके, आर एनवायरमेंट इज द नेम ऑफ द लेसन. ओके, नाउ यहां पर आपको ऐसे स्टार करना है. ठीक है, देन आज हम क्या करने वाले हैं लेसन वन में? यस, सबसे पहले टुडे वी विल डू न्यू वर्ड्स. ओके, सो हियर यू हैव टू राइट न्यू वर्ड्स, NEW, न्यू वर्ड्स. ओके स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर कैसे लिखना है? न्यू वर्ड्स. सो न्यू वर्ड्स में हमारा फर्स्ट वर्ड कौन सा है स्टूडेंट्स? यस, एनवायरमेंट. तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? एनवायरमेंट, ENVIRONMENT, एनवायरमेंट. ओके, वंस अगेन रीड करेंगे हम. ENVIRONMENT, एनवायरमेंट. ओके, आपको रीड करना आना चाहिए स्टूडेंट्स. डन. ओके, सो नेक्स्ट जो स्पेलिंग है वो आपको इसके सामने लिखना है. ओके, थोड़ा सा स्पेस देकर यहाँ पर आपको लिखना है नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड क्या है स्टूडेंट्स? पेंसिल, PENCIL, PENCIL, पेंसिल. क्या लिखा है स्टूडेंट्स मैंने? PENCIL, पेंसिल. ओके, देन नेक्स्ट वर्ड जो है वो आपको एनवायरमेंट के नीचे लिखना है. ओके, यू हैव टू राइट नेक्स्ट वर्ड बिलो एनवायरमेंट. ओके, सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज माउंटेन्स. सो राइट डाउन माउंटेन स्टूडेंट्स, MOUNTAINS, माउंटेन्स. क्या है स्टूडेंट्स माउंटेन्स का स्पेलिंग? MOUNTAINS, माउंटेन्स. ओके, डन. सो नेक्स्ट वर्ड इज बर्थ. इसके सामने लिखना है BIRTH, बर्थ. BIRTH, बर्थ. ठीक है, BIRTH, बर्थ देना, जन्म देना. ठीक है, देन स्टूडेंट्स आपको इसके नीचे कंटिन्यू करना है. नेक्स्ट वर्ड यू हैव टू राइट बिलो माउंटेन्स. आपको माउंटेन्स के नीचे लिखना है, बट मैं कहाँ लिख रही हूँ? यहाँ पर. आपको कहाँ लिखना है स्टूडेंट्स? इसके नीचे. ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज ह्यूमन बींग्स. सो राइट डाउन द स्पेलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, HUMAN, ह्यूमन बींग्स, BEINGS, ह्यूमन बींग्स. ओके स्टूडेंट्स, ह्यूमन बींग्स. पहले ह्यूमन लिखना है, देन थोड़ा स्पेस दे के बींग्स, एक साथ नहीं. ओके, क्या स्पेलिंग है? HUMAN, ह्यूमन
B-E-I-N-G-S, beings, human beings. Okay students, so next word is stones. आपको stones का spelling लिखना है, S-T-O-N-E-S, stones. क्या है stones का spelling students? S-T-O-N-E-S, stones. Okay, then next spelling students, next word है हमारा breathe. क्या है? ब्रीथ. तो ब्रीथ का स्पेलिंग आपको ह्यूमन बींग्स के नीचे लिखना है, बी आर ई ए टी एच ई. ब्रीथ मीन्स सांस लेना. ओके, क्या है ब्रीथ का स्पेलिंग? बी आर ई ए टी एच ई, ब्रीथ. ओके स्टूडेंट्स, डन. नाउ नेक्स्ट वर्ड, आवर नेक्स्ट वर्ड इज सीड्स. क्या है स्टूडेंट्स? सीड्स, एस डबल ई डी एस, सीड्स. सीड्स क्या होता है स्टूडेंट्स? यस, बीज, जिससे न्यू प्लांट ग्रो करता है. ओके, सो सीड्स का स्पेलिंग क्या है? एस डबल ई डी एस, सीड्स. डन, गुड. सो नेक्स्ट वर्ड इज स्टूडेंट्स डायरेक्शन. डायरेक्शन आपको कहाँ लिखना है? ब्रीथ के नीचे, डी आई आर ई सी टी आई ओ एन, डायरेक्शन. क्या है डायरेक्शन का स्पेलिंग स्टूडेंट्स? D-I-R-E-C-T-I-O-N, direction. Directions means, yes, disha, like north, east, west, south. ये क्या होती है? Directions होती है. Okay, so direction का spelling D-I-R-E-C-T-I-O-N, direction. आपको learn भी करना है और read करना तो सबसे पहले आपको आना चाहिए. Okay students, so next word is leaves. L E A V E S, leaves. Leaves क्या होती हैं? Very good, पत्तियाँ. Leaves क्या होती है students? पत्तियाँ. Okay, leaves का spelling L E A V E S, leaves. Okay, so next word is soil. Direction के नीचे आपको लिखना है soil, S O I L, soil. Soil क्या होता है? Yes, you know, मिट्टी. मिट्टी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सॉइल बोलते हैं. और सॉइल का स्पेलिंग स्टूडेंट्स? एस ओ आई एल, सॉइल. ओके, नाउ आवर लास्ट वर्ड इज यंग वंस. वाई ओ यू एन जी, यंग वंस, ओ एन ई एस, वंस, यंग वंस. यंग वंस कौन होते हैं? बेबीज. ओके, हमने पहले भी किया था, लाइक जो काव होती है उसका यंग वन क्या है? काफ. डॉग का पपी, तो वो क्या है? उसके बेबीज हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? यंग वंस. स्टूडेंट्स एक बार फिर से ये रीड कर लेते हैं, ठीक है? सो न्यू वर्ड्स में नंबर वन एनवायरमेंट, ई एन वी आई आर ओ एन एम ई एन टी, एनवायरमेंट. ओके, नेक्स्ट पी ई एन सी आई एल, पेंसिल. पी ई एन सी आई एल, पेंसिल. देन M O U N T A I N S, mountains. क्या है ये? Mountains. Next B I R T H, birth. Again B I R T H, birth. Next students, human beings. H U M A N, human. B E I N G S, beings. Human beings. Then students, stones. S T O N E S, stones. S T O N E S, stones. Then B R E A T H E, breathe. B R E A T H E, breathe. Then seeds. S W E D S, seeds. क्या है ये? Seeds. Then students, ये क्या लिखा है मैंने? Direction. D I R E C T I O N, direction. Then next leaves. L E A V E S, leaves. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये क्या है? सॉइल, एस ओ आई एल, सॉइल. देन लास्ट यंग वंस, वाई ओ यू एन जी, यंग. वाई ओ यू एन जी, यंग. ओ एन ई एस, वंस, यंग वंस. सो स्टूडेंट्स, जो आज हमने ये न्यू वर्ड सीखे हैं ईवीएस में लेसन वन के, आपको अपनी ईवीएस की नोटबुक में कंप्लीट करना है. ओके, थैंक यू.